Yeah, that's cool, but he ain't like me. A lot of girls like me, niggas wanna fight me. Nigga, get your ass checked like a fucking Nike. तो यार सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना और अपना क्लिप वगैरह को इंपोर्ट कर लेना और अरेंज कर लेना जिस भी क्लिप या फिर मॉन्टाज में आप इस इंस्टाग्राम स्क्रॉल इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मॉन्टाज को ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट करके इसको थोड़ा बीच का पोर्शन में यहाँ से ट्रिम कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक का जहाँ पर मेरे को इस इफेक्ट को अप्लाई करना है। और ये मॉन्टाज मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हो, लिंक आपको दे दूंगा आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो इस मॉन्टाज को मिक्स और आप चेकआउट कर लेना, बहुत ही तगड़ा मॉन्टाज एडिट किया था। बढ़ते हैं इस वाले इफेक्ट के ऊपर में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जिस पोर्शन में मेरे को अप्लाई करना है मैं इसको सबसे पहले हाइड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया, ठीक है, मेरा ये मॉन्टाज ऑलरेडी था तो मैंने इसी मॉन्टाज के बीच में एक अपना इस इफेक्ट को अप्लाई कर दिया है। तो इसके बाद क्या करना, आपका जो फर्स्ट वाला क्लिप रहेगा ना, फर्स्ट वाला जहाँ से आपका इंस्टाग्राम मतलब स्क्रॉल इफेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आ जाना, इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो लास्ट वाले फ्रेम पर आना और इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना, सेव टू PNG कर लेना, तो आपका आ जाएगा। आप कहीं पर भी चाहो तो इसको सेव करके रख सकते हो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और स्क्रीनशॉट अगर आपको नहीं लेना आता इस टाइप से तो यहाँ पर आना कंपोजिशन में, यहाँ पर सेव फ्रेम एज फाइल, देन यहाँ से फोटोशॉप लेयर को यहाँ से चेंज करना है, यहाँ पर आना PNG या फिर JPG जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए आप उसको के बाद उसको ओके कर देना, यहाँ से इसको रेंडर कर देना, यहाँ से आने के बाद में यहाँ से रेंडर कर देना, तो आपका ये स्क्रीनशॉट कहीं पर भी सेव हो जाएगा, डेस्कटॉप में या फिर आप जहाँ पर भी चाहो सेव हो जाएगा और उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग वाला का लास्ट फ्रेम में और इस सेकेंड क्लिप का स्टार्टिंग फ्रेम को उसी टाइप से आपको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है, ठीक है। तो दोनों को मैंने ऑलरेडी सेव किया होता। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्रेम्स का लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, वो इंस्टाग्राम फ्रेम का लिंक है, आप चाहो तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट लेके उसको यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टिच्ड फोन स्क्रीनशॉट मिलेगा, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आता हूँ, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाओ तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसको सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का इतना तक का ले लेता हूँ, देन ये जो अपना फ्रेम वाला आ गया है ये इस टाइप का कुछ फ्रेम मिलेगा, इसको राइट क्लिक करना और प्री कंपोज कर देना, देन मूव ऑल एट्रीब्यूट्स करके इस पर आ जाना, एक नया कॉम्प बना लेना और इसके अंदर में आप चलते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, अगर मैं इसको पूरा स्क्रीन पर लाऊं तो थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ और बैकग्राउंड को सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, आप अगर नॉर्मली मोबाइल या फिर टैबलेट किसी से भी अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आपका इतना लंबा तो आएगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करना, आप दो या फिर तीन स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको यहाँ पर प्लेस कर दे जाना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं पहले छोटा कर देता हूँ। तो अगर आप नॉर्मली मोबाइल से खींचोगे तो आपका इतना बड़ा स्क्रीनशॉट आएगा। तो आप एक काम क्या कर सकते हो, यहाँ पर इतना बड़ा का ले लिया, उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ तक का मास्क कर लिया, सेकेंड स्क्रीनशॉट लाया, इसके नीचे में स्टिच कर दिया, स्टिच मतलब इसके सेकेंड नीचे में अप्लाई कर दिया और दोनों को एक साथ ये करके प्री कंपोज कर लोगे तो आपका एज ए एक लेयर वो काम करेगा, ठीक है। तो मैं इस ऊपर वाले को फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। तो अपने पास ये आ गया है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम हमने जो स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव किया था उसको आपको इंपोर्ट कर लेना। फर्स्ट फ्रेम जो है यहाँ पर ये मेरा वन है फ्रेम, सो मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, इसको मैं इसके ऊपर में प्लेस कर देता हूँ। अब इसको मैं जो स्क्रीनशॉट जो है इंस्टाग्राम का उसके अकॉर्डिंग में इसको रिसाइज कर देना है, तो स्केल को पकड़ना और इसको छोटा कर देना, ठीक है, छोटा करके इसको आपको यहाँ पर प्लेस कर देना। एक चीज़ आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर जो हुआ है, मैंने ब्लैक बॉर्डर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो ब्लैक बॉर्डर को मेरे को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर इसका मास्क का यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही, आप अपना मास्क वगैरह का जो भी का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से प्लेस कर देता हूँ, तो इस टाइप से मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब सेकेंड फ्रेम को भी वैसे ही लाएंगे, इसको इधर पे ले आऊँगा और इसका भी स्केल को मैं कर दूंगा यहाँ पर 18% के आसपास का, और देन इसको कर दूंगा यहाँ से 21%। ये यहाँ पर जो चेन है इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपका हाइट और विड्थ का रेशियो चेंज कर सकते हो, और इसको मैं ला के यहाँ पर इस टाइप से इसको मैं इस टाइप से यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो हमारा दोनों का पोजीशन प्लेसमेंट हो गया है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, और यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसका स्केल को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो आ रहा है ना ये ऊपर में ये जो स्टोरीज, मैं क्या चाहता हूँ मेरा ही स्टोरीज आए, मैंने जिसको इसको फॉलो करके रखा या फिर मेरा जो स्टोरी है वो यहाँ पर शो हो। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये टूल लूँगा मास्क वाला, रेक्टेंगल मास्क टूल, और इसको सिंपली यहाँ से ऐसे करके मास्क कर देना है। ठीक है, मास्क करने के बाद में वापस से स्केल प्रेस करना, आपका स्केल आ जाएगा और इसका साइज को आपको छोटा कर लेना है और पोजीशन को आपको लेके यहाँ पर प्लेस कर देना है ताकि मेरे को देखने में इजी हो कि मैंने जो भी यहाँ पर कर रहा हूँ मेरा सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पर अरेंज करके देखना पड़ेगा कि आपका ठीक ठाक यहाँ पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परफेक्टली अब मेरा ये भी हो गया है। अब इसका नीचे में जो मेरा ये आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको भी कर सकते हो। मैं इसको भी यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से वापस मास्क टूल को लेंगे और मैं यहाँ से इतना तक का ले लेता हूँ। तो अब देखना, अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली लगेगा कि मैंने ये इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लिया है और हमने यहाँ पर ये सब करके इसको अरेंज कर लिया है। और अगर आप चाहो यहाँ पर कुछ अपना नेम वगैरह आप नहीं चाहते हो ये सब शो हो, यानी कि कोई दूसरा का प्रोफाइल शो हो, तो यहाँ पर आप उसी टाइप से स्क्रीनशॉट लेके इसी टाइप से मास्क करके यहाँ यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है। ठीक है, तो इतना तक का तो काम हो गया है। इतना होने के बाद में इन सभी लेयर्स को ऐसे करके सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और वापस से एक बार और प्री कंपोज कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद में अब नेक्स्ट में इसको अपने को एनिमेट करना है, जैसे कि हम लोग टॉप टू बॉटम को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका स्केल को बढ़ा लेता हूँ, तो मैं इसको लगभग 170 के आसपास का कर देता हूँ। तो 170 का करने के बाद में यहाँ पर आपको P प्रेस करना है कीबोर्ड में, पोजीशन रिवील हो जाएगा, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में कर देना है और इसके बाद में कुछ इतना तक आगे आके इसका आपको पोजीशन को चेंज कर देना है, इसका Y पोजीशन जो है इसको आपको ऊपर कर देना है। तो मैं इतना तक कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करना की फ्रेम को, कीबोर्ड में F9 प्रेस कर देना, इजी हो जाएगा। और मोशन ब्लर को ऑन करने के बाद मैं इसका की फ्रेम को थोड़ा इधर तक ले आता हूँ, यहाँ तक, और इसके बाद में ग्राफ एडिटर पर आना, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है स्पीड ग्राफ और ग्राफ को कुछ इस टाइप का डिजाइन कर लेना। तो अब अपना इफेक्ट कुछ इस टाइप का निकल के आएगा, जैसे कि अपन स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इतना तक तो हमारा स्क्रॉलिंग इफेक्ट आ गया है। तो भाई यहाँ पर एक स्टेप मिस हो गया है, अपने को क्या करना है ना, ये जो अपना स्क्रॉल इफेक्ट जो यहाँ पर आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है, ये इंस्टाग्राम का जो लोगो वगैरह आ रहा है और यहाँ पर ये जो है ये मेरे को स्लाइड नहीं करना है, क्योंकि आप अगर मोबाइल में स्लाइड करते हो तो ये आपका स्टिकी रहता है, फुटर और हेडर जो है वो आपका स्टिकी रहता है। सो इसको स्टिकी करने के लिए ये स्टेप आपको पहले करना था, मैं भूल गया इसी के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लूंगा, पी प्रेस करूंगा पोजीशन के लिए, इसका की फ्रेम यहां से डिलीट कर लूंगा और इसको मैं रिसेट कर देता हूं। रिसेट करने के बाद मैं इसको एक बार और डुप्लीकेट कर लूंगा और इसको मैं सबसे पहले यहां से हाइड कर लेता हूं, देन अपना जो ये है ये वाला क्लिप, ठीक है, इसको मैं यहां पर अरेंज कर लेता हूं। इसको नीचे ले आना है यहां तक जहां पर आपका ये लोगो रिवील हो रहा हो, और यहां से ये सिलेक्शन टूल ले लेना मास्क वाला, मास्क क्रिएट करने वाला, और यहां से इसको मास्क क्रिएट कर लेना है और इस टाइप से मास्क क्रिएट कर लूँगा। देन इसके बाद मैं इस ऊपर वाला क्लिप को क्लिक करना और इसको ऊपर कर लेना यहाँ पर, क्योंकि इसका भी अपने को नीचे का जो फुटर है इसको मास्क करना है। तो यहाँ से मास्क टूल लूँगा और यहाँ से इसको इस टाइप से मास्क कर लेता हूँ मैं। मास्क होने के बाद मैं इसको पकड़ के इधर साइड प्लेस कर देता हूँ ऐसे, ये अपना अब काम हो गया यहाँ पर। तो इतना तक तो हो गया है। अब इन सभी लेयर्स को एक बार सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक का, राइट क्लिक करना और प्री कंपोज कर लेना है और ओके कर देना है। और इसके बाद में ये अब हमारा इफेक्ट इस टाइप का निकल के आ रहा है। तो आपको PNG फाइल और एक प्रोवाइड किया हूँ जिसमें अपना आईफोन का स्क्रीन है, आप चाहो तो पिक्साबे या फिर pixel.com से, और अलग भी एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आईफोन जिसका भी आपको फ्रेम यूज करना है उसको आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास होगा एक आईफोन PNG, इसको मैं लाता हूँ इसके ऊपर में और इसके ऊपर में इसको प्लेस कर दूँगा। देन सबसे पहले यहाँ से मास्क टूल लूँगा और इसको मैं मास्क कर लेता हूँ, इसका जो ये एरिया है स्क्रीन वाला एरिया है इसको मैं मास्क कर लेता हूँ।
तो मैंने इस एरिया को मास्क कर लिया है और एम प्रेस करना मास्क आ जाएगा, यहाँ से इन्वर्टेड पे क्लिक कर देना तो अपना मास्क जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो इतना परफेक्ट है। अब नीचे वाला क्लिप को भी उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इसके अंदर में। तो इतना तक का काम हो गया है। अब क्या करना है, मेन कॉम्प पे आ जाना है। अब देखना कि अब हमारे यहाँ पर इफेक्ट इस टाइप का आ गया है। तो भाई अब इतना तक हो जाने के बाद में इसको थोड़ा अपन एनिमेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आ जाना और यहाँ से इस 3D ऑप्शन को इनेबल कर देना और कीबोर्ड पे पी प्रेस करना, पोजिशन पर एक स्टॉपवॉच प्रेस करके एक की फ्रेम अप्लाई कर देना है। देन आर प्रेस करना, रोटेशन पर एक्स वाई जी पे एक एक की फ्रेम अप्लाई कर देना है। देन स्केल पर एक की फ्रेम अप्लाई कर देना है। ये सब चीज़ हो गया। देन यू प्रेस करना, आपको यहाँ पर की फ्रेम्स रिवील हो जाएगा और 10 फ्रेम आ गया ना। यहाँ पर स्केल पर एक की फ्रेम अप्लाई कर देना है, ठीक है। और स्टार्टिंग वाला फ्रेम पर आना है, इसको कर देना है 450। तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा जूम इन इफेक्ट मिलेगा। और इसके बाद में मैं यहाँ पर इस सबको सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड में F9 प्रेस करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में इस ग्राफ एडिटर पर आना है, ग्राफ को कुछ आपको इस टाइप का डिज़ाइन कर लेना, ये ग्राफ को कॉपी कर लेना। अब देखना कि हमारा जो जूम इन हो रहा है, यहाँ पर हमारा स्कोप थोड़ा ऊपर चला गया है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन को सेट करते हैं। तो मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, देन इस वाले पोर्शन पर आएंगे, ठीक है। और इसका की फ्रेम को यहाँ से कर देते हैं रीसेट। देन दोनों को सिलेक्ट करना, कीबोर्ड में F9 प्रेस कर देना। अब हमारा कुछ इफेक्ट इस टाइप का निकल के आएगा और इसका भी ग्राफ एडिटर पर आ जाना है। यहाँ से ये ग्राफ वगैरह को ना आप अपने अकॉर्डिंग में चेंज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग में देख सकते हो। मैं यहाँ से इसका वैल्यू ग्राफ को ले लेता हूँ, इसको सेपरेट डायमेंशंस कर देते हैं, इसको कुछ इस टाइप का कर देते हैं। तो ये तो अपना हो गया इसका पोजीशन का और इसका ग्राफ। देन रोटेशन पर आना है, स्टार्टिंग में एक एक की फ्रेम अप्लाई कर दिया था, मिडिल पर आ जाना। मिडिल पर इसका वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग में चेंज कर लेना। मैं इसको क्या करता हूँ, इधर कर दूंगा और इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। देन इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं और देन लास्ट में आना है। इतना परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो अब इफेक्ट कुछ इस टाइप का निकल के आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का निकल के आ रहा है अपना इफेक्ट। इतना तक हो जाने के बाद में यहाँ पर आ जाना है और स्केल पर एक की फ्रेम अप्लाई कर देना। देन 10 फ्रेम पीछे आना, एक और की फ्रेम अप्लाई कर देना। इस लास्ट वाले फ्रेम पर आने के बाद में इसका वैल्यू को कर देना 450। इसका ग्राफ एडिटर पर आ जाना, ग्राफ को भी आपको कुछ इस टाइप का जूम आउट ग्राफ क्रिएट कर देना है। तो अब एक बार देखो कि अब एक बार प्ले करके देखते हैं हमारा इफेक्ट किस टाइप का आ रहा है। तो इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है। आप ग्राफ के साथ अपना खेल सकते हो, खेल के देख सकते हो कि आपको किस टाइप का मूवमेंट चाहिए। मेन हमारा पर्पस था ये जो अपना स्क्रॉल इफेक्ट, इसको क्रिएट करना। तो इसको होने के बाद में आप चाहो तो इसके नीचे में कोई भी अपना बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हो। तो बैकग्राउंड वगैरह लगाने के बाद में कुछ इस टाइप का इफेक्ट आएगा। अब टोटल कंप्लीट होने के बाद में हमारा इस टाइप का इफेक्ट आने वाला है। तो सिंपल सा इफेक्ट है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है इसको क्रिएट करने में आप, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में पे ही मैसेज करके पूछ सकते हो। तो भाई बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो विद बेल आइकन। मैं आपसे मिलता हूँ फिर और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।